आई नो वेरी वेल, बट आई होप कॉमेडी क्रिएट करने के लिए तुम्हारा हिसाब से BST की बस ना हो। सर आप कॉमेडी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, बॉक्स ऑफिस का फरारी है वो। जिस फिल्म को हाथ लगा दे 100-200 करोड़ तो ऐसे बन जाते हैं सर। कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, ट्रेजेडी, थ्रिलर, सब में सिर्फ मास्टरी ही हासिल नहीं की है बल्कि उसे पद्मश्री भी हासिल है। सबसे बड़ी बात वो हम बॉयज में से एक है। हम जैसे एक्टर तो जमीन से आते हैं लेकिन वो स्टार होता है जो हमेशा आसमान से ही उतर। आज यहां सेलिब्रेट करते वक्त थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग याद करें कि इस तरह खुल के आजादी से खुशी से मनाए गए ये मौके हमें एक तरह से उन लाखों बहादुर जवानों की कुर्बानी से मिलते हैं जो हमें सेफ रखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस वक्त को याद करें जब 1990 में 1,70,000 हिंदुस्तानियों को कुवैत से सही सलामत हिंदुस्तान में वापस लाया गया। ये इस बात का रिमाइंडर है कि चाहे हम अपने देश को भूल जाएं, लेकिन हमारा देश हमें कभी नहीं भूला। अक्षय कुमार, क्या बात है सर। सर मुझे मत देखो आप ऐसे तरह से, आज आपने थैंक यू वेरी मच कर दिया। सर एक बार तो बात और करूंगा आप। सर दो दिल्ली वाले मिल जाते हैं ना, बड़े मजे आते हैं। मेरा हाथ उठ गया। अच्छा आप इतनी तेज, आप क्यों इतने बादाम खाते हो आपने? मेरी एक तो हाथ ऐसे तोड़ा है ना मेरा। अच्छा अच्छा सर, ये वाला माइक ऑन कर देंगे, कोई बात नहीं। कैसे सर? बहुत बढ़िया। कुछ वो देर पर है ना अपना, और ये वाला ऑन कर दिया सर। आपकी बात मानते, मेरी बात नहीं मान रहे सर। सर ये आपने पर्स अपने सामने क्यों रखा हुआ है? जी इनका है। आपका? कम वक्त मेरे माइक में जंग लगा, ऑन करो इसको। सर एक बार बोल दो, मेरा माइक बंद कर रहे हैं सर। ये इस्तेमाल कर सर, इससे कर लेते हैं सर। वैसे आप इतना एक्शन करते हैं सर, थोड़ी टिप्स मुझे भी दीजिए प्लीज। कैसे टिप्स ये बताएं सर? एक्शन के कैसे एक्शन करूं मैं? सबसे पहले अच्छा खाएं, सोएं, माँ के हाथ का बना हुआ खाएं, और उसके बाद सेहत बनाए। बाहर जाके वड़ा पाव या ये जो गंदी गंदी चीजें खाते हो। सर बड़ी गंदी, मैं तो खाते नहीं सर। तो वड़ा पाव तो बहुत बढ़िया चीज है सर, वो तो मैं खाता हूँ सर, लेकिन बाहर की मत खाया करो। बाहर की नहीं सर, मैं बाहर से लेके घर में आके अंदर खाता हूँ। घर का खाया करो, उसके बाद आपकी सेहत बनेगी। जो पतली सी टांगे हैं वो सेहतमंद बनेंगी। सर एक्चुअली टांगे मेरी पतली हो गई, पहले मेरी टांगों पे बहुत बाल थे सर, जब से शेव किए टांगे पतली हो गई हैं सर। सर मैंने उनको बोला टांगे शेव कर दो, कहते हैं सर घास काटने वाली मशीन लाओ। ये इतनी बकवास करते इसलिए कोई सुनता नहीं तुम्हारी बात।
नीचे झुक के क्या देखोगे? मेरे चरण, बेटे चरण यहाँ तक नहीं, नीचे तक होते हैं। चरण गलत सीखते हो बेटे। मेरा ख्याल है इससे पहले कि तू मार खाए तू वहाँ पे वापस आ। नहीं नहीं रहने दो इसको, इसे बड़े दिन हो गए। मैं टीवी पे जब देखता हूँ ये लोगों की पकड़ता खींचता है। नहीं दे रहे मुझे इनको, पता माइक में ये दे दो उसे दो चार। बड़ा अच्छा लगा आज आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया ना, आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसके लिए। मैं मम्मी आई मेरी उनके सामने, आपने बेइज्जतियां करी है मेरी। कोई बात नहीं सर, चॉकलेट खाइए। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपका क्या है वैसे? सर हेल्दी खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा, वड़े पाव नहीं खाऊंगा बाहर से, घर लेके आऊंगा, अंदर बैठ के खाऊंगा। थैंक यू सर, कुछ तो मीठा खिलाया आपने मुझे। थैंक यू, थैंक यू अक्की भाई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर वॉचिंग मी लाइव। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सी माय वेस्टकोट। आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है और हिंदुस्तान टाइम्स। कपिल के साथ बीच बीच में कुछ को होस्ट भी नजर आए, पर सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने परिणीति को ही किया। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बहुत ही मेहनती एक्टर है, ये खुद तो मेहनत करती है, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती है, नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन है वो याद रह जाते हैं। अरे आप लोग बड़े लोगों करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए सब पे लाइन। तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है, अपना अपना। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4-4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। I think we should change the topic now. No, why? ऐसे ही, इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला? चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें कल फोन किया तुम्हारे बॉय ने उठाया, उसने कहा कि सर बिजी है। मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो, तुम्हारा डैड डेविड धवन। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हूँ। ओह शिट, तो कमीना, ओह सॉरी सॉरी, ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके, समहाउ वी हैव टू मैनेज। वैसे तो अपने पीके किसी अवार्ड फंक्शन में आते नहीं हैं, पर इस बार उनके गुरु जीके जरूर नजर आए, जिन्होंने स्टार्स के हाथ को पकड़कर ही बता दी उनके मन की बात। मैं आपको पीके समझ रहा है, ये थोड़ा कम पीके आए हैं, ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है। जी भाई साहब कहाँ से आए आप? हम जीके हो। क्या है? जीके। जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ। पीके का दादा जीके? हाँ। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं। आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी किसी बात नहीं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है। तो पीके काफी सक्सेस हो गई, कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह पे आ गए। अरे नहीं नहीं जी, हमारे गोले में शराब मिलती नहीं। आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ। आपका गोला गुजरात में पड़ता है? मेरे को एक बात बताइए सर, यह ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ। अच्छा ऐसे मेरे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है। अच्छा
बड़ा बदमाश हो, मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए। आई अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार, थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं। आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनमें मन में क्या चल रहा है उनके मन में? हाँ पक्का, ये काम हम कर सका कर सकते हैं। हाँ आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास। सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं। आठ बजे हमारा डिनर का वक्त, वो तो गुजर चुका। 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, वो भी मिस हो गया। और 5:00 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम, वो नहीं मिस हो सकता। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4:00 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये पंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके ये हाथ पकड़ के बता देता है। अच्छा अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर, ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे, ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए, सिग्नल पकड़ता है। मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे 3 डायपर। रितेश जिनेली आपको किस काम के लिए भेजते, आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आगे बैठ जाते।